नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सकल विरोध विहंडनी स्याद वाद युत जान पुनः वाद मत खंडनी नमो दीप जिनवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाचियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु सहासनम वंदित सव सिद्धि धूमचल मनोभवम गजन पत्थे वोक्षाम समय पाहुर्मो सुधकीवली भंडन पंच परमेष्ठी भगवंतों की द्वादशांग जिनवाणी माता की शाश्वती संबी शिखर की तीर्थ राज पहचान हमारी तीर्थ राज तीर्थ राज है शान हमारी राज पहचान हमारी तीर्थ राज है शान हमारी भाव वंदना मंगलकारी भाव राज है शान हमारी तीर्थ राज है शान हमारी सम्यक श्रद्धा से हम आवे सम्यक श्रद्धा से हम आवे भक्ति भाव से प्रभु को ध्यावे भक्ति भाव भाभी भाभी कौन बोल रहा भैया ध्यान से सुना करो बहुवचन वाचक है सम्यक श्रद्धा से हम आवे सम्यक श्रद्धा से हम आवे फिर वे बोलती भाई कौन है शांत रहो नहीं बोल पाते जब हम कह रहे हैं अक्षर शुद्धि पहला अंग है सम्यक ज्ञान का सोचना चाहिए सम्यक श्रद्धा से हम आवे सम्यक श्रद्धा से हम आवे भक्ति भाव से प्रभु को ध्यावे भक्ति भाव से शुद्ध परिणति हमारी हो विशुद्ध परिणति हमारी भाव वंदना मंगलकारी भाव वंदना मंगलकारी सहज शांत है तीर्थ हमारा सहज शांत परम शांत है रूप हमारा परम शांत है रूप हमारा शांत दशा हो बे अविकारी शांत दशा हो बे अविकारी भाव वंदना मंगलकारी भाव अष्टपावड़ ग्रंथ में शांत भावों को ही तीर्थ कहा है।
शाश्वती शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा की आराधना अथवा शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान भावना ध्यान रूप आचरण यह व्यवहार तीर्थ है और ऐसे तीर्थ जब तीर्थ हैं तो इन तीर्थों की धारण करने वाले माने आत्मा की आराधना करने वाले वे पंच परमेश्वरी भगवान तीर्थ हैं द्रव्य तीर्थ और जहाँ भी आराधना करते हैं उस क्षेत्र तीर्थ और जिस समय आराधना करते हैं वो काल तीर्थ और रत्नत्रयत रूप भाव आराधना रूप भाव व भाव तीर्थ तीर्थ क्षेत्र पर बैठे तीर्थ क्षेत्र पर तैरने की कला अगर नहीं सीखी नहीं समझे कार्यकारी तो नहीं होगा। ठीक है धर्म भावना प्रधान है भावुकता का नाम धर्म नहीं है ध्यान रखना भावना ज्ञान सहित होती है भावुकता बिना ज्ञान के होती है होश में जोश नहीं खो। विनम्रता भी या विनम्रता के वचन भी अभिमान से मत बोलो विनय का भी प्रदर्शन नहीं अष्टांग सम्यक दर्शन अष्टांग सम्यक दर्शन अष्टांग सम्यक ज्ञान त्रयोदश प्रकार चारित्र ऐसे ही दशांग ब्रह्मचर्य चाहिए हमको दशांग ब्रह्मचर्य। दशांग ब्रह्मचर्य जानते हो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन जिसमें अंतर गर्भित है ऐसा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसी वेश का नाम नहीं है किसी क्रिया का नाम नहीं है ब्रह्म स्वरूप आत्मा को कहा और आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब को अब्रह्म कहा। आत्मा ब्रह्म तो और सब क्या हो गए जीव अजीव हो गया कि नहीं तो ब्रह्म और अन्य किसी जगह जिसको अच्छा लगता है रुचता है अन्य जगह जहां रमता है परिणाम अन्य के बारे में सोचता है ये सब अब्रह्म है। विचारना भाई सहज शांत है तीर्थ हमारा सहज परम शांत है भाव हमारा परम शांत है परम शांत है रूप हमारा दशा हो बे अविकारी शांत दशा हो बे अविकारी भाव वंदना मंगलकारी भाव वंदना मंगलकारी। और ये वंदना का प्रारंभ कब होगा प्रारंभ कब होगा ये बताओ। आत्म हित का लक्ष्य धरे हम आत्म हित का प्रभु वर का अनुसरण करें हम प्रभु वर का हो निर्ग्रंथ दशा सुखकारी हो निर्ग्रंथ भाव वंदना मंगलकारी भाव वंदना एक कार्य आत्मार्थ एकमात्र आत्मा के हित का लक्ष्य हो मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना
ये श्रोता के प्रयोजन पर दृष्टि, आत्महित का प्रयोजन विचारना। दूसरे जहां लक्ष्य बन गए, साध्य बन गए, सारा काम खराब हो गया। सागर धर्म अमृत में उस दिन स्वाध्याय में आया, जहां ख्याति लाभ की अभिलाषा हो जाती है वहां भाव विशुद्धि नहीं होती। जहां ख्याति लाभ की अभिलाषा हो जाए, अंतर में वासना आ जाए, अभिप्राय हो जाए, भाव विशुद्धि नहीं हो सकती। पेड़ से जड़ से अलग हुआ वृक्ष पानी डालो तो सड़ेगा, हरा भरा नहीं होगा। जड़ से कटा हुआ वृक्ष पानी डालो सड़ेगा के बढ़ेगा, हरा भरा होगा, बोलो। और जड़ में लगा, जड़ सहित वृक्ष है, मूल सहित, जेठ की दोपहरी में हरा भरा, मूल को सींचो भाई, जो चारित्र को साक्षात धर्म कहा उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। हमें लौकिक क्रियाएं भी, लौकिक व्यवहार भी बेही मान्य हैं, जिससे हमारे सम्यक की हानि न हो और व्रतों में दूषण न हो। सम्यक की हानि न हो ये सब हम सबके लिए है, और व्रतों में दूषण न हो तो व्रती लोगों के लिए है। क्यों नहीं ऐसा? नहीं, ध्यान रखना, मूल गुण उनको भी व्रतों में ही शामिल है। मूल गुण मुनिराजों के मूल गुण होते हैं, श्रावकों के भी मूल गुण होते हैं। और मूल गुण शब्द का अर्थ है मूल माने सम्यक दर्शन सहित, गुण माने प्रधान आचरण। खाली मध्यमास मधु का त्याग, पंचोदंबर का त्याग, उसका भी ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं आए, हमारी जीवन शैली में ढल गया, हो सही नहीं है हमें। भगवान की आज्ञा, भगवान की श्रद्धा से हिंसादिक पापों का त्याग करें। एक स्थूल त्याग, अभ्यास रूप त्याग, अभी नियम रूप नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं ये हमारे लिए है, अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं करो भाई, अपनी मर्यादा की रक्षा दूसरों के ऊपर कैसे छोड़ोगे? और रक्षा तो तब करें जब अपनी मर्यादा समझें। कभी कभी ये पानी की मर्यादा 8 बजे की है, उसकी मर्यादा 3 दिन की है, उसकी मर्यादा, हमने कहा तुम्हारी मर्यादा कितनी है तो बताओ भैया, तुम्हारी भी कुछ मर्यादा है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए प्रणाम थी। आत्मा की मर्यादा जानते हो भैया? ज्ञान मात्र मर्यादा का सूचक है। ज्ञान से बाहर जो कुछ भी है वो अनात्मा, आत्मा नहीं है, वो अपना नहीं है। ज्ञाता 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 ये मर्यादा रूप परिणमन है। कर्ता भोक्ता राग द्वेष मोह ये सब मर्यादा के बाहर के परिणमन है। और ये मर्यादा में, मर्यादा को समझो, अपनी मर्यादा को पहचानो, स्वाभिमान रखो। स्वाभिमान और अभिमान में यही तो अंतर है भाई। अभिमान में दूसरों का तिरस्कार है, स्वाभिमान में अपनी मर्यादा की प्राण देते हुए भी रक्षा है। ज्ञानियों को स्वाभिमान होता है, अभिमान नहीं। अज्ञानियों को स्वाभिमान के नाम पर भी अभिमान होता है। हमारी व्यवस्था, ये स्वाभिमान कहां से आ गया? व्यवस्था भैया, मति व्यवस्थित करो, मति व्यवस्थित किए बिना सारी व्यवस्थाएं विपरीत होंगी, अधूरी होंगी। मति को व्यवस्थित करो, यही भगवंतों का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। बाहरी व्यवस्थाओं में मत उलझो ज्यादा,
अपनी मर्यादा को समझो, मर्यादा में सोचो, मर्यादा में बोलो, मर्यादा में चलो फिरो, मर्यादा में ही खाओ पियो, माने मर्यादा सीमा। हर देश की सीमा है कि नहीं, हर व्यक्ति की सीमा है कि नहीं, सीमा में पहनो ओढ़ो, सीमा में व्यवहार करो, सारा काम सीमा मर्यादा में होना चाहिए। अमर्यादित जीवन मरण से भी ज्यादा कलंकमय है, क्लेशमय है और महापाप बंध का कारण है। पंडित टोटरमल जी ने क्या कहा, अपने जितने रागादि घटे हों उस प्रकार से नियम ग्रहण करना, ऊंचा नाम रखा करके नीची क्रिया मत करना, अपने रागादि कम घटे हों तो भैया नीचे पद में रह करके ऊंची भावना भाव अभ्यास करो भीतर में। आत्म हित के लक्ष्य पूर्वक ही सारे निर्णय होना चाहिए हमारे, इधर जाए कि इधर जाए, इधर हमारा लक्ष्य हित है कि इधर हमारा हित है, बस ये सोचो, निर्णय करने में बस ये बात सोचो हमारा हित किधर है, ये सुने कि ये सुने, ये कह रहे हैं ये सुने, ये करें कि ये करें कि नहीं, भैया जिसमें हमारा हित हो सो, सारे के सारे निर्णय आत्महित की दृष्टि से लेना सीखो। एकमात्र हमारा लक्ष्य जीवन पूरा करना नहीं, सार्थक करना। ध्यान रखना, सिद्धांत विहीन जीवन कहीं सफल नहीं होता, लौकिक मार्ग में भी। लक्ष्य विहीन जीवन कहीं भी देख भ्रमित घूम रहे, कहां कैसे कुछ नहीं। भैया धर्म में क्रियाएं भी होती हैं, व्यवहार धर्म में उसका निरूपण है, लेकिन रूढ़ी की क्रिया का नाम धर्म नहीं है और शुष्क क्रिया का नाम धर्म नहीं है, केवल बाह्य क्रिया का नाम धर्म नहीं है, शुद्धोपयोग का नाम अंतरंग धर्म है, परमार्थ धर्म है। उसके सहचर शुद्धोपयोग की भावना, शुद्धोपयोगियों की भक्ति, शुद्धोपयोग के लिए शुद्ध आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनना, पढ़ना, विचारना, ये सब व्यवहार धर्म है। शुभ भाव इसको कह देते हैं, प्रशस्त भाव, प्रशस्त भाव, भाव वहां से जुड़ा रहना चाहिए। माने धर्मानुराग का नाम शुभ भाव है। आत्महित अपनी पूज्यता को लक्ष्य में रखते हुए अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा व्यवहार है, और नहीं तो व्यवहार काहे की। हमने समाय कर ली, हमने पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने शुद्ध भोजन कर लिया, हमने, अरे भैया सोचो तो सही, किसका नाम समाय है, किसका नाम पूजा है, किसका नाम स्वाध्याय है। आत्मा से अलग करो तो क्या है, जैसे इसमें से आत्मा निकल जाए तो मट्टी है कुछ और है। आत्मा जीव है, आत्मा है तब तक ये मनुष्य कहलाता है, अगर आत्मा निकल जाए तो क्या है, मट्टी है कि नहीं। तो अगर आत्मा नहीं है हमारे कामों में, हमारी दृष्टि में सदा काल आत्मा, ज्ञान में सदा काल आत्मा और परिणामों में आत्मा, जब तक स्वरूप लीनता न हो, आत्मलीनता न हो, तब तक आत्मा का ही विचार, आत्मा की ही चर्चा, आत्मा का दर्शन। एक बात दो चार दिन पहले ही कही थी, भैया बोलो मंदिर में ऐसे आओ जैसे वैद्य के पास रोगी आता है, अपने रोग की पीड़ा को मिटाने का उपाय समझने के लिए। भगवंतों को ऐसे देखो जैसे कोई दर्पण देखता है, अपने चेहरे को संभालने के लिए। इन भगवंतों का दर्शन शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत।
समंतवत स्वामी ने इसे शिक्षा व्रत कहा है। दर्शन, पूजा, भक्ति, दान, वैयावृत्ति, ये सब शिक्षा व्रत में एक ही में है। माने यहां आकर के हमने शिक्षा नहीं ली सुखी होने की, क्या मतलब निकला? ये भिक्षालय नहीं है, ये शिक्षालय है। कामनाओं की पूर्ति की भीख मत मांगो। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी की नहीं होती, किंचित भी नहीं। कामनाओं का अभाव ही होगा। ये कामनाएं संसार में भटकाती हैं। एक बच्चे ने, बच्चा माने छोटा बच्चा नहीं, व्यापार संभालता था, 30-35 वर्ष की उम्र थी। कोई प्रसंग था, सोचने झंडारोहण की बोली ले ली, तो बोली ले ली तो 5,000 की, गांव की बात है। अब उसके पिताजी को अब नाराज हुए, मालूम है पैसा है कैसे कमाया जाता है। संयोग की बात ये शब्द हमारी कान में पड़ गए। हमने कहा दादाजी यहाँ कैसे कमाया जाता है ये तो बाद की बात है, लेकिन तुम जैसे समझते तैसे नहीं कमाया जाता, ये समझ लो। पहले पैसा पहले तो कमाने ही लायक नहीं है, धर्म कमाने लायक है। धर्मोय अर्जनीयम, धर्मोय वर्धनीयम, धर्मोय रक्षणीयम। पद्मनंदी स्वामी ने रक्षण कहा, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म से वह स्वयं रक्षित हो जाता है। धर्म ही कमाने लायक है। अरे धर्म की आराधना करते करते आराधक जीवों को उत्कृष्ट पुण्य स्वयं एव हो जाता है। कोई किसान भूसे के लिए खेती करता है, भूसा स्वयं एव होता है, लेकिन स्वयं होने पर भी उसे भोगता नहीं है, अलग करके उसे पशुओं को डाल देता है, वो स्वयं भूसा से अलग करके खाता है। छिलका स्वयं आता है, लेकिन छिलके को अलग कर देते तब उसका भोग करते। ऐसे पुण्य से पुण्य स्वयं होता है, और जब होगा तो उसका उदय भी आएगा और उसकी विभूतियां पद प्रतिष्ठा इंद्र आदि सब मिलेंगे, लेकिन उनको अलग करके आत्मा के आनंद को भोगना, ये पुण्य के फल भोगने लायक नहीं है। ये पुण्य के फल भोगने लायक नहीं है, नहीं है। जिसके चित्त का चरित उदार है, उदात है, उदार ऐसा सब लिखा है ना, वे इस सिद्धांत का सेवन करो। तो उदात का अर्थ क्या किया पांडे राजमल जी ने? संसार देह भोगों से विरक्तता, इसका नाम उदात। हे भगवान, संसार देह भोगों का अगर अभिप्राय भीतर में बैठा रहेगा, लोग मुझे कैसे जाने, लोग क्या करें? कल बैठे थे वहां मंदिर पे, तो हम बैठ करके अपना थोड़ा स्वाद पुस्तक देखने लगे। एक वो पत्रकार आया, तो फोटो लेना है। हम क्या करें, हम फोटो देने आए हैं क्या? मतलब उसका ये, आप थोड़ा ऐसे हो जाओ, हमारा मतलब ये है। क्या हम तो क्या मतलब है फोटो लेना? नहीं ले हमारा फोटो, कैसे लोगे? ये हम है नहीं, हम ये नहीं है भैया, ये नहीं है हम, ले फोटो। हमारी महिमा समय साल जी में है। विचार करो, सोचो, समझो, मरे ऐसे हो जा, ये कोई बात नहीं, हम कर रहे जो कर रहे, तुम्हें क्या लेना ना? हम दिखाने आए कि आप जिस क्षेत्र में पधारे फलाना। अरे हमने कहा हम दर्शन करने आए हैं, देखने आए कि दिखाने आए, क्या लेना देना हमको? विचार करो भाई, सोचो समझो, अपनी सहजता कभी छोड़ने लायक नहीं है, ध्यान रखना। सदगुर कहें वाद विवाद करे सो अंधा, तर्क कुतर्क करे सो अंधा,
सदगुरु कहें, भक्ति करे, भक्ति कर। हम ये कह रहे हैं भक्ति के काल में अगर तुम्हें अपना भगवान याद नहीं आया तो कैसी क्या काम हुआ तुम्हारा, शुरुआत नहीं हुई। एक गांव में गए मंदिर से, हम मंदिर हम जा रहे थे, भीतर प्रवेश कर रहे थे, एक बालक 25-30 वर्ष का बालक निकला। हमने कहा दर्शन कराए भैया, कराए किसके, भगवान के, कौन से भगवान के, अब ये हमें नहीं मालूम। अरे भाई मंदिर में विराजमान भगवान अंतर के भगवान को समझने के लिए हैं, देखने के लिए हैं। गंदी शकल बिखरे बाल अगर आ जाओ यहाँ और हम कहें क्यों शीशा देखा है कि देख आए, कौन मानेगा, शीशा देखने का कोई फल है, आंखों का फल वीतराग मुद्रा का दर्शन करना है और वीतराग मुद्रा के दर्शन का फल वीतराग स्वरूप के दर्शन होना है। सहज शांत है तीर्थ हमारा, परम शांत है रूप हमारा, परम कैसा परम शांत, कैसा परम शांत जिसमें अशांति और अशांति के कारणों का प्रवेश ही नहीं हुआ, जो पहले से ही शांत है, अनादि से ही शांत है, जिसमें कभी अशांत नहीं, आत्मा अशांत होता नहीं। और आत्मा की अनुभूति वाले जीव तो अद्भुत हैं, उनकी महिमा क्या कहें। आत्मा का लक्ष्य करने वाले जीवों को भी अशांति नहीं आती, चारित्र मोह के तीव्र हृदय में अशांता आ जाए तो टिकेगी नहीं, धूल आ भी जाए तो टिकती नहीं है। आज जैसे केवली भगवान को योग है कि नहीं इरियापद, तो वो कर्म आते हैं, आते तो हैं, लेकिन ऐसे इन भगवंतों के भक्तों को भी आराधकों को भी विकल्प आते हैं, अशांति होती है लेकिन टिक नहीं सकती। टिकेगी तो समझ लेना, टिकाने वाला तो उसे मिथ्या तो है ना, फलाने हैं नहीं है, वो चला जाएगा, ठीक है आओ बैठो, अरे नहीं अब जा रहे, यही तो कहेगा। जिसके कारण जो आएगा उसी के कारण तो टिकेगा। तो ये मिथ्यात्व कर्म आते हैं, मिथ्यात्व टिकते हैं, मिथ्यात्व को ही संसार कहते हैं। मिथ्यात्व के जिसका अभाव हुआ, अर्थात बोलो भाई जिसने अपने को आत्मा देखा, मिथ्यात्व का अभाव हुआ माने जिसने अपने को आत्मा देखा उसको शांति अशांति होती नहीं, टिकती नहीं, ये समझ। परम दशा को देखें तो अशांतता होती ही नहीं, और प्रारंभिक दशा को देखें, प्रथम पदवी में जिन्होंने पैर रखा है तो अशांति टिकती नहीं, क्यों, उनके पास अशांति दूर करने का उपाय समझ में आ गया, लाओ। आपको भूख लगती है, लौकिक दृष्टि है, लेकिन भूख टिकती है आपकी, क्यों टिकती नहीं, क्यों नहीं टिकती, आपको मालूम है यहां हमारी भूख का उपाय है, जल्दी लाओ भूख लगी है, भोजन लाओ। बालक को भूख लगी टिकती नहीं है, क्यों, उसको मालूम है मां, वो दौड़ा मां के पास जाएगा, और मां के पास गया फिर भूख का, जिनवाणी के पास आए फिर कहां अशांति, शुद्धात्मा के पास आए फिर कहां अशांति, वो परमार्थ है, ये व्यवहार है। देखो भाई जैसा अपना तो तुम्हें अपने शरीर में, अपने नाम में, ये हमारा नाम है, ये हमारी प्रतिमा है, ये हमारी चादर देने वाला भी अगर चादर दे और वो देखे
हमने उसको ऐसा लगने लगता है हमारी, वो पंडित जी आपको चादर दी थी वो कह गई, तुम्हें क्या मतलब, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि चादर हमारी चादर, माने ऐसा अपनत्वपना है, हमारी बेदी हमारा मंदिर। अरे भाई अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए हमारा ही है, ध्यान रखना, और संतोष के लिए भी हमारा ही है, कर्तव्य के लिए भी हमारा है और संतोष के लिए भी हमारा है। हम ये कह रहे जैसा अपना तो शरीर में, नाम में, कुटुंब परिवार आदि में जैसा होता है, वैसे ही अपना तो अगर देव सास गुरु आदि में नहीं आया तो समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए सम्यक्त की पात्रता भी नहीं। और आत्मा में जब तक अपना तो नहीं आया तब तक सम्यक्त तो नहीं। क्यों भाई, तुम अपने गांव में जाओ, अपने गांव समझते होगी, जी अपना गांव तो लगता ही नहीं, अपना गांव कहते ही झट वहां याद आएगा, अपना घर कहते ही वो याद आएगा। तुम अपने घर में जाओ, अपने गांव में जाओ, और घर बन रहा हो जरा तो तुम वहां जाकर के होटल पे ठहरोगे, बताओ बताओ, अरे भाई ऐसा है तैसा है, तो हम ये कह रहे हैं आत्मा अपना भी है और उत्कृष्ट भी है, फिर आत्मा को छोड़ करके कहां भटक रहे हो। ये भगवान अपने भी हैं और उत्कृष्ट भी हैं, यहाँ भगवान है वहां हमारा तीर्थ है, वह हमारी शरण स्थली है, वह हमारी जन्म स्थली है, ये समझो। हल्का मत समझो, चक्रवर्ती का व्यवहार भी, ए भैया इनके लिए वो बोरा बिछा देना, बोरा ले आना, चक्रवर्ती का व्यवहार भी कैसा होगा, चक्रवर्ती जैसा होगा तो इन ज्ञानियों का व्यवहार भी कैसा होगा। अपनत्व समझ गए, इन देव सास गुरु में, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में अपनत्व होना चाहिए। कैसा अपनत्व, अधिकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए और संतोष के लिए, दो बातें, एक तो कर्तव्य के लिए, अरे हम संभालेंगे हमारा, अपनी वस्तु अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ये बता, अपनी मर्यादा अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। परमार्थ और व्यवहार को युगपत लेकर के चलो, लेकिन व्यवहार को व्यवहार रूप और परमार्थ को परमार्थ रूप, परमार्थ को व्यवहार में मत मिलाना और व्यवहार को परमार्थ में मत कराना। विचारना शांतता, परम शांत रूप है वह परम शांत रूप, कैसा, जिसमें कभी अशांतता हुई ही नहीं है, जिसमें अशांतता का कोई कारण ही नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं, सुख का कारण नहीं होगा तो सुख का कार्य नहीं होगा, सुखी नहीं होगी, और दुख का कारण नहीं मिटेगा तो दुख नहीं मिटेगा। और कारण में भी मूल कारण समझना, अंतरंग कारण समझना, केवल बहिरंग कारण नहीं, इस तीर्थ पर आकर के उस तीर्थ को याद करो, ऐसे शांत वातावरण में उस शांत स्वरूप की आराधना करो। ज्ञानानंद श्रावकाचार में एक कथन आया है, आपने पढ़ा होगा, क्या जंगल की गुफाएं मानो बुला करके कह रहे हैं, जंगल की गुफाएं मानो बुला करके कह रही हैं, आओ आओ यहाँ आत्म ध्यान करो, यहाँ तुम्हारा खूब मन लगेगा, कोई विघ्न करने वाला नहीं है, जाओ यहाँ तो अगर बैठ जाओगे, अब चलो पहले भोजन कर लो उसके बाद बैठे रहना, कहने वाले यहाँ वहां नहीं है। चलो
सहज शांत है तीर्थ हमारा, सहज शांत परम शांत है रूप हमारा, परम शांत है रूप हमारा, शांत दशा हो वे अविकारी, शांत दशा हो वे अविकारी, भाव वंदना मंगलकारी, आत्महित का लक्ष्य धरें हम, आत्महित का लक्ष्य धरें हम, प्रभुवर का अनुसरण करें हम, प्रभुवर का अनुसरण करें हम, ओ निर्ग्रंथ दशा सुखकारी, निर्ग्रंथ दशा खाली नग्नता बाहर की नहीं, अंतर की, अंतर बाहर से नागा तो आकिंचन व्रत पागा, ते आचार सुखदाई हम पूजे, पंडित टेकचंद जी लिख रहे। निर्ग्रंथ दशा बाहर से नहीं आएगी, बाहर से सग्रंथ हुए ही नहीं है तो बाहर से निग्रंथ आ जाए। एक मुनीश्वर आत्म ध्यान में मग्न है, किसी ने सर्दी के समय एक चादर उड़ा दी तो सग्रंथ हुए कि नहीं? नहीं हुए। अगर उनको ये विकल्प आ जाए, चलो ठीक है ठंड भी बहुत थी, उसी समय सग्रंथ हो गई, राग का ग्रंथ, राग का परिग्रह आ गया, और अगर ये विकल्प आ जाए, इतना मूर्ख समझता भी नहीं है, मुंडा चादर नहीं ओढ़ते, चादर ओढ़ा दी इसने, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, उस समय द्वेष का परिग्रह आ गया, सग्रंथ हो गए, जैसे के तैसे चादर को हटाएंगे नहीं, चादर को दूर नहीं करेंगे, चादर से दूर देखेंगे, चादर नहीं हटाएंगे, उपयोग नहीं लगा हटाएंगे। निर्ग्रंथ मार्ग अलौकिक मार्ग है भाई, इस निर्ग्रंथ मार्ग का आश्रय निर्ग्रंथ स्वरूप है, सबके भीतर है। परसों क्या कहा था बोलो, बनारस में कपड़े उतरेंगे तब नग्न होंगे, ये तो बात बाद की है, लेकिन कपड़े के भीतर अभी भी नग्न है कि नहीं ये बता। चाहे सर्दी के कारण आप कितने ही कपड़े पहन लो, सर्दी कपड़ों से बचती भी नहीं है, तो अभी ठंड 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 करोगे और बिना कपड़ों वाले देह और आत्मा का भेद ज्ञान करते हुए ठंड का भेदन ही नहीं करेंगे। ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, लेकिन दुख का भेद, बहुत ठंड है, बहुत ठंड, अरे ठंड है तो है, ठंड हमारे में नहीं है, ये चिंतन शुरू करो। निर्ग्रंथ स्वरूप और फिर निर्ग्रंथ दृष्टि, निर्ग्रंथता का ज्ञान और फिर निर्ग्रंथ भावना और फिर निर्ग्रंथ दशा। स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप की दृष्टि नहीं, दशा कहां से आएगी भाई? दिशा बदलो तब दशा हो, तेरी दृष्टि बाहर में है, बाहर से सग्रंथ होता है, अंतर से निर्ग्रंथ होता है, निर्ग्रंथता आत्मा का स्वरूप है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, हो निर्ग्रंथ दशा अविकारी पक्ष वाले जीवों को ऐसा लगता है, हाँ देखो देखो ये पंडित जी ठीक है, देखो ये लाइन अच्छी है, भैया तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं है। वह निर्ग्रंथ दशा, निर्ग्रंथ दृष्टि बिना कैसे होगी, निर्ग्रंथ स्वरूप के आश्रय बिना कहां से आएगी? लौकिक में भी एक सूत्र आपको बताया था,
जो करना है पहले समझो, जो करना है पहले समझो। हमें दर्शन करना है कि दर्शन समझो, किसको दर्शन कहते हैं। हमें पूजा करनी है, पूजा समझो, पूजा किसको कहते हैं। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय समझो, स्वाध्याय करना है। भोजन करना है, भोजन समझो, पहले भोजन कहते किसे हैं और भोजन होता कैसे है। जिस भोजन को तुम अपना भोजन मान करके शुद्ध भोजन का अहंकार कर रहे हो, वो भोजन तुम्हारा भोजन ही नहीं है। अशुद्ध भावों से है भोजन कर रहे हो तुम, होश है तुम्हें। द्रव्यानुसार चरणम, हमें घर बनाना है, घर समझो तब बनाओ। बनाना है कि बने बनाए में रहना है। घर बसाना है, घर बसाना है समझो तो। परमात्म प्रकाश में लिखा है वे योगी क्या कहें उन योगियों को, उजड़ को बसाते हैं और बसे को उजड़ कर रहे। इंद्रियों की बस्ती जो बसी हुई है उसे उजड़ करते हैं, अंतर की बस्ती को बसा रहे। बसाना का मतलब क्या है? अरे बसोगे तब तो बसाओगे। एक बार एक भाई बोले, साहब युवा वर्ग धर्म मार्ग में कैसे लगे, लोग मंदिर भी नहीं आते, कैसे जुड़े। हमने कहा तुम लग जाओ, तुम जुड़ जाओ अच्छी तरह, तुम्हारे जीवन को देखकर अपने आप जुड़ जाए। भैया जब हम ही नहीं जुड़े हैं, ऊपर ऊपर की जुड़े भीतर से टूटे, हमारा लक्ष्य वही, श्रद्धा वही, मान्यता वही, इंद्री ज्ञान को ज्ञान माना, इंद्री सुख को सुख माना, बाहर का धूल उसे वैभव माना, विनय मान लिया। ये शरीर की क्रिया विनय, भीतर की विचार करो क्या है। सोचो समझो, बाहर से देखना बंद करो। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी, परिणति नहीं बदलेगी। सारा का सारा पुरुषार्थ दृष्टि को बदलने में लगाओ भाई। समझो समझो समझो। हमें वैयावृत्ति करनी है कि वैयावृत्ति समझो पहले। हमें सेवा करनी है, सेवा समझो। केवल हाथ पांव दावते रहना अनावश्यक रूप से, ये कोई सेवा नहीं है। सेवा माने साधना में सहयोग, ये मोक्ष मार्ग की सेवा है। हमें आराधना करनी है, हमें तो अपनी आराधना करनी है। आराधना आलस्य का नाम नहीं है, रूढ़ी की क्रिया का नाम नहीं है, शुष्क ज्ञान का नाम नहीं है। आराधना करनी है तो आराधना समझो। अपने को आत्मा देखते हुए सदैव प्रसन्न रहना, इसका नाम आराधना है। क्या कहा था कानपुर में, याद है तुम्हें? अनुकूल व्यवस्थाएं बना करके एक रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, और हर परिस्थिति में समता रखना अलग बात है। ये नीचा क्यों, जे ऊंचा क्यों, जे ऐसा क्यों, जे वैसा क्यों, हड़बड़ मच गई और सारी व्यवस्था आकर के बैठे और अपनी स्वाध्याय कर लिया, अपनी पूजा कर ली, अपना भोजन कर लिया। अनुकूल व्यवस्थाएं बना बना करके रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, और हर स्थिति में समता भाव रखना, समता का अभ्यास करना, कदाचित कोई विषमता का परिणाम भी आ जाए तो उसका प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना, ये अलग बात है। साधना साधना साधना, अरे किसको साधना? उपयोग को साधना है। साधने का अर्थ क्या होता है? इधर उधर से समेट करके एकाग्र होकर के लगा। चंचल परिणति में क्या साधना करोगे? ख्याति लाभ की अभिप्राय रख करके क्या साधना करोगे?
प्रभाव ना करोगे कि अप्रभाव ना करोगे, सेवा करोगे कि उपसर्ग करोगे, सोचो समझो विचार करो, धोखा मत दो अपने को, अपने को धोखा मत दो। नहीं इंद्रियों के बस होवे, नहीं इंद्रियों के अपना संयम नियमन खोवे, अंतरवाहि सो दिहितकारी, अंतरवाहि भाव वंदना मंगलकारी, भाव तीर्थराज पहचान हमारी, तीर्थराज पहचान हमारी, तीर्थराज है शान हमारी, तीर्थराज है शान हमारी। अगर अंतर बाहर की शुद्धि होगी तो शांतता मिलेगी। यहाँ आकर के हम पवित्र होंगे और अंतर बाहर की पवित्रता नहीं होगी, नियम संयम नहीं होगा, तो समझ लेना यहाँ पवित्रता फैलाएंगे। गंदी दृष्टि वाला व्यक्ति, गंदा व्यक्ति जिसको कहते हैं, जहां जाएगा वहां गंदगी तो फैलाएगा। आज ये क्षेत्र पर हो क्यों गया? उपवास करके वंदना करते थे पहले, एकासन करके वंदना करते थे, शुद्ध भोजन करके वंदना करते थे, वंदना के बाद आकर के पानी पीते थे। चलो शक्ति कमजोर होती गई, क्यों हमारा मन कमजोर होता गया? चलो पानी, पानी पी लिया, उकाली उकाली बन गई, चलो क्षेत्र की व्यवस्था हो गई, उससे भी संतोष नहीं। वो पानी देना, जहां जो खड़ा हो चाहे जैसा खड़ा हो पानी देना, बाबूजी नींबू पानी, हाँ नींबू पानी दे, और बढ़िया, और वो बिस्कुट नहीं है, और बोतल नहीं है, और फलाना नहीं है। धीरे धीरे मांग बढ़ती गई, धीरे धीरे हम अपना सौंप रहे हैं दूसरों को। दिखाने लायक बनोगे, दिखाने लायक काम करोगे तो लोग देखेंगे तकेंगे, उसमें क्या बात है? सोचो समझो, क्षेत्र को अपवित्र मत बनाओ, धर्मायतनों को अपवित्र मत बनाओ, इन शिक्षालयों को, जिनालयों को भिक्षालय मत बनाओ, इनको शिक्षालय बने रहने दो, इनको पवित्र बने रहने दो, और यहां पवित्रता पूर्वक आओ। मंदिर में चमड़े की चीज लेकर के आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आप क्या कहोगे बोलो? नहीं आ सकते। तो जब चर्मे की कोई चीज नहीं ले सकते तो चर्म दृष्टि क्यों ले? चर्म दृष्टि छोड़ करके आओ, बहिर्दृष्टि छोड़ करके आओ, तब भगवान दिखेंगे। क्या कहें, ज्ञानियों को सब भगवान देख रहे हैं, क्यों द्रव्य दृष्टि है, और अज्ञानी को भगवान भगवान नहीं देख रहे, बेबी अपनी कामना पूर्ति करने वाले बेबी देख रहे। बताओ सोचो काय का अंतर है दृष्टि का? शब्द वे ही हैं, भाव अंतर में ग्रहण करो तो अंतरात्मा हो जाओगे, और भाव बाहर में ग्रहण कर लोगे तो केवल वहीं के वहीं बने रहोगे। अपना नियम न, अपना संयम नियम न खोवे। अब तुमने सोच लिया दो क्रियाएं करके नियम संयम मान ली। भैया नियम कहते ही नियम सारे याद आना चाहिए। शुद्ध चेतना परिणाम कारण नियम, और शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और आचरण आराधना जो अवश्य करने लायक है वह नियम है। अंतर का नियम हो तो बहिरंग का नियम ठीक है, उपचार है, और अंतर का नियम हो ही नहीं और पता ही नहीं हो और जिज्ञासा भी नहीं हो तो फिर क्या होगा?
तप में, नियम में, संयम में, आत्मा समीप जिसे रहे। भैया रस पियो, इससे उत्कृष्ट रस नहीं। अध्यात्म रस से उत्कृष्ट रस दूसरा नहीं है भाई। और अध्यात्म की परिभाषा नियम सारी में क्या की, टीका करते हुए बताओ, जो आत्मा को आत्मा से जोड़े रहे, तुम तो यहीं बैठे रहो, यहीं आ जाओ। जो आत्मा को आत्मा से जोड़े रहे उसे अध्यात्म कहते हैं, जो बाहर भटका दे अध्यात्म कैसा। सारे शब्दों को, सारे आगम के शब्दों को भी अंतर्दृष्टि से विचार करना। आत्मरस का रसिक वह जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है, और आत्मरस का रसिक ही जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता होता है। वक्ता बनने की बात तो बहुत दूर की है, श्रोता ही बन जाए यही बहुत है। जो ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हैं, ज्ञाता स्वरूप ही कहते हैं, और ज्ञाता स्वरूप के आश्रय से कहते हैं ज्ञाता स्वरूप, उनको वक्ता कहते हैं, और जो ज्ञाता स्वरूप सुनकर के गहरे उतरने रखते हैं उनको श्रोता कहते हैं। सच बात तो ये है, बात बाकी तो ठीक है। यहाँ बैठ गए सो वक्ता मान लिया, यहाँ बैठ गए सो श्रोता मान गए। क्यों भाई, ये चश्मा यहाँ रख दो तो चश्मा कुछ और हो जाएगा, और यहाँ रख दो तो चश्मा कुछ और हो जाएगा, ये है क्या। यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रख जाओ, चश्मा चश्मा रहेगा। तो हम यहाँ से यहाँ हो गए तो कुछ बदल गए, कैसे बदल गए। अरे ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, और ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है। वो ज्ञाता स्वरूप को अनुभवते हुए जो ज्ञाता स्वरूप कह रहे उसी का नाम वक्ता। नहीं प्रदर्शन मात्र, नहीं प्रदर्शन मात्र करें हम, अंतर शोधन सदा करें हम। सहज पवित्र दशा अविकारी, सहज पवित्र भाव वंदना मंगलकारी, भाव वंदना लोक विरोध आचरण टालें, पद के योग्य क्रिया सब पालें, हो प्रभावना आनंदकारी, हो प्रभावना आनंदकारी, हो प्रभावना आनंदकारी। प्रभावना पद के योग क्रिया होगी, बाह्य प्रभावना होगी, और पद के विरुद्ध क्रिया होगी। तो सच्ची बात है, ये भैया सुना रहे थे, एक गांव में विवाह शादी की कोई पंक्ति भोज था, अजैन लोग भी आ गए थे गांव के, छोटे गांव में सब आ जाते, होता है। भोजन किया, एक भाई बोले भैया भोजन बहुत अच्छा, जैनों का भोजन तो जैनों का ही है, क्या कहें। तो उस जैन को आ गया अभिमान, एक को बोले तुम क्या जानो खाना पीना, तुम लोग क्या जानो खाना। अब उसको जरा थोड़ा सा ठेस पहुंची, बुरा लगा। उसने कहा ठीक है भैया, अब हम गरीब आदमी, हम क्या जाने खानो पीना, ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं, ये भी जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं सही,
हम अपने घर की बहू बेटियों को नचाते भी नहीं, ऐसे रह गया, ऐसे रह गया नहीं, सच्ची घटना है। पद विरुद्ध, अरे हमारा भी आपका भी एक पद है, ऐसा नहीं, सेवक का भी एक पद है। हम तो अविरती है, तो पाक्षिक श्रावक का पद है। जितनी भी अप्रभावना है, जिन धर्म की अप्रभावना अजैनों के द्वारा नहीं हो सकती, जिन धर्म की प्रभावना जैन होकर के भी जो जैनत्व को नहीं पहचानते, जैनत्व का स्वाभिमान नहीं है, अपने पद के विरुद्ध आचरण करते हैं, चाहे वो पहनना ओढ़ना हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार के व्यवहार, बुरा लगता है। सच पूछो, हमारे कहने की बातें भी नहीं है, बड़ा कष्ट है, हमें कहना पड़ता है। कष्ट है, लेकिन क्या करें, करें क्या, बोलो। कोई मां अपने बेटे को जगाए बिना दूध पिला सकती है? सोते में दूध पिला के बताए कोई मां? कोई डॉक्टर, बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई बात नहीं है। क्या ब्लड प्रेशर लो किए बिना ऑपरेशन कर सकता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर है, ऑपरेशन हो सकता है। अब हम क्या करें, कैसे भेद ज्ञान की चर्चा कर पाए भाई? हमारा सहयोग करो भाई। पंडित जी साहब नहीं, पंडित जी साहब को समझो, ये पंडित जी नहीं है। इस दो क्रियाओं का, इस वेश का, इस पद, इसका नाम पंडित जी नहीं है। किसको कहा पंडित, दौलत राम जी से पूछो। क्रिया कोष में पिए आत्मरस जे नर धन्या, ते ही पंडित और नान्या। पार्श पुराण में पूछो, पंडित किसको कहते हैं, पंडित कौन? देवियों ने प्रश्न किया, बुद्धा दास जी ने देवियों के प्रश्न में उठाया कि माता, वो देवियां समझ गए होंगे, वो माता की सेवा करने आती ना, तो वो देवियां तत् चर्चा कर रही हैं, तो वो प्रश्न किया, माता पंडित कौन है, पंडित कौन? तो माता उत्तर दे रही, पंडित कौन, सुमारग चले दुराचार दुर्मारग दले। जो सुमार्ग पर चलता है और दुराचार दुर्मार्ग को दलता, माने नष्ट करता है, कुरीतियों को दूर करते हैं, सुरीतियों को हम प्रकट करते हैं, तब हमारे पंडित नाम। सदानंदमयम जीवम यो जाना स पंडित। पढ़ो, पंडित किसको कहते हैं, पंडित जी, पंडित जी। अरे भैया, एक गांव में गए एक बुजुर्ग, बोले साहब कोई एक पंडित बताओ, 5,000 दे देंगे, 7,000 दे देंगे, भोकमरा दे देंगे, खाने पीने की व्यवस्था सामग्री दे देंगे, बना ले, नहीं तो फिर घर घर निमंत्रण कर दे। हमने कहा तुम्हें पंडित नहीं मिलेगा कभी। बोले हम पूछ रहे आप ऐसी बात करते, नहीं तुम्हें बोलने तक में आदर नहीं है और पैसों से खरीद रहना चाहते हो, तुम्हें पंडित मिलेगा? तो 5,000 दे देंगे, फलाना कर देंगे, वो बना खा लेगा, फलाना कर लेगा, ये कर देंगे, और वो ये देखता रहेगा, वो देखता रहेगा, ये कर लेगा, ये लक्षण है तुम्हारे। पंडित ढूंढो नहीं, पंडित बनो, अभ्यास करो ज्ञान अभ्यास। और पंडित ढूंढना है तो तभी ढूंढ पाओगे जब स्वयं पंडित बनोगे। तुम्हें आदर होगा, तुम्हें उसकी गरज होगी। हमने कहा सुनो, अगर पंडित जी बड़े हैं तो अपने पिता के समान आदर, पिता से बड़ा आदर देखना सीखोगे, तब पंडित ढूंढ पाओगे, और छोटा है तो अपने बेटे से ज्यादा समझोगे, तब पंडित सी। तुम्हारे बेटे 10-5 हजार रुपया वैसे ही ऊपरी खर्चों में बर्बाद कर देंगे, तुम क्या 10-5 हजार पंडित बता दे है? पंडित बोल रहे हो, तुम्हें बोलने तक की अकल नहीं आ रही, आदर नहीं है, और तुम कह रहे पंडित तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सोचो समझो विचार करो, पंडित कहीं पैसा से खरीदे जाएंगे, सुविधाओं से खरीदे जाएंगे? पंडित जी, अरे पंडित जी क्या, सच बताएं, आज तक समझ ही नहीं पाया हमने अपने को पंडित।
वक्त आज तक समझ ही नहीं, हम कह अभी उठ गए और बैठ गए जाकर के, सोचते रहे क्या करें, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अगर कोई बात। भावुकता ये बातें नहीं भैया हमारे यहां, आपने कहा कि हमने कहा चलो अब चल रही, हमने ही कहा, ऐसा नहीं आप चार दफे कहोगे तो कुछ होगा, नहीं चलो अब चल रही, थोड़ा मानस सेट करो भाई, ऐसा नहीं, शासन की सेवा है, अपनी सेवा कराने नहीं आए हम अपनी सेवा में उलझाने नहीं आए, अपनी व्यवस्थाएं बनाने नहीं आए, मति व्यवस्थित करने आए। कई बार हम कह भी देते भैया तुम्हें खुश करके कुछ लेने नहीं आए, तुम्हें खुश होने की कला सिखाने आए, समझो विचार करो, मार्ग को विकृत मत करो भाई, मार्ग को मार्ग बने रहे, और विकृत होता भी नहीं, स्वयं शुद्ध से मार्ग से मार्ग विकृत होता भी नहीं, मार्ग तो मार्ग है, अकृत्रिम मार्ग है, क्यों अकृत्रिम है कि कृत्रिम है, भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थ शंकर है, महावीर स्वामी तो 24 में है ना, अरे महावीर स्वामी की बात तो अलग है, भगवान ऋषभ देव ने भी ये मार्ग बनाया नहीं बताया है, केवली प्रणीत धर्म है कि केवली निर्मित धर्म है, अगर धर्म ऋषभ देव ने बताया तो कैसे वे परमात्मा कैसे बने ये बताओ, इसका मतलब मार्ग था, ये आत्मा अनादि निधन है, आत्मा की आराधना भी अनादि निधन है, उसकी आराधक भी अनादि निधन है, विराधक होकर के संसार में दुखी रहने वाले भ्रमने वाले भी अनादि निधन है, ये सब अनादि निधन चल रहा करते हैं। मति को व्यवस्थित कहो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, बिल्कुल सच्ची बात है, हमारे पुण्य से ज्यादा व्यवस्था आप नहीं कर सकते, आपके उपयोग को आपके समझने की जिज्ञासा के बिना, विनय के बिना, समर्पण के बिना हम नहीं समझा सकते, भगवान नहीं समझा पाएंगे तुम्हें, जब ये समझाने वाला समझ लिया अब समझे कौन, जाओ समझाओ, तुम्हारा मन है ठीक है करो, बोले जो कुछ करना है, प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, अंतर शोधन का मार्ग है, अंतर उज्जवल करना रे भाई, शब्द बदले हैं, आज के शब्द आ गए, आज की चली आ गई, बात बाकी भाव तो भाई भाई है, नया कुछ है ही नहीं, अनादि निधन मार्ग है, सनातन धर्म है भैया, सनातन धर्म वो धर्म नहीं, समीचीन धर्म सनातन धर्म माने ये अनादि अनंत धर्म, इसी को सनातन धर्म कहते हैं, आपको मालूम है स्वामी जी क्या कहते थे इसको, सत्यनारायण की कथा है, क्या कहते थे बताओ, माने सच्ची बात है ये, नारायण बनने की, नर से नारायण बनने की, पशु से परमात्मा बनने की ये कथा है, कैसी बातें सोचते हो, समीचीन धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, विश्व धर्म कहो, आत्म धर्म कहो, जैन धर्म कहो, आत्मा से विमुख हो गए धर्म समझ में आएगा ही नहीं, शब्द बदलते रहेंगे, अष्ट अंग सहित सम्यक दर्शन हो, अंग सहित ज्ञान सहित मंगलाचरण हो, ज्ञान सहित परंपरा निर्दोष हमारी, परंपरा कुंद कुंद नामनाए, परंपरा निर्दोष हमारी, परंपरा निर्दोष हमारी,
लोग बड़े अभिमान से कह देते कभी कभी, हमारे घर में ये अवक्ष आता ही नहीं, हमारे घर में बच्चा भी नहीं खाता। ये नहीं मालूम जो खबर आया सो अवक्ष है, अमर्यादित है, तुम्हें पता ही है कुछ? माने चार छह अवक्षों को हमने गिन लिया और बस हमारे घर में आता ही नहीं, आप कैसी बातें करते। एक भाई से पूछा, भाई ये पानी कितने देर का छना है? हमारी बात नहीं है, हम क्या पूछेंगे। तो भाई तो नाराज हो गई, आप हमसे ऐसे पूछते हो? अरे हमारे यहां तो सवेरे छन करके ही भरता है। माने हमारी नल में थैली लगी है, छना है दिन भर छना, ये कोई बात? माने होश नहीं है हमें, ये सब अज्ञान की महिमा है। अज्ञान अज्ञान तिमिरान माना, ज्ञान के बिना आचरण कैसे होगा ये बताओ। सम्यक शब्द का प्रयोग ही अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। जो भी आपको करना है पहले समझो, प्रभावना करनी है प्रभावना समझो पहले, उसके बाद प्रभावना कर पाओगे। आराधना करनी है आराधना समझो, इलाज करना है इलाज समझो, शिक्षा लेना है शिक्षा समझो। माने समझे बिना क्या हो सकता है जी बताओ। समझे बिना लौकिक में भी कुछ नहीं हो सकता, तो आत्मा को समझे बिना मोक्ष मार्ग कैसे होगा? विचार करो भाई। अंग सहित सम्यक दर्शन हो, अंग सहित ज्ञान सहित मंगलाचरण हो, परंपरा निर्दोष हमारी, परंपरा निर्दोष भाव वंदना मंगलकारी, भावों का हो सहज समर्पण, भावों का हो तन मन धन जीवन हो अर्पण, ऊंची रहे सुधजा हमारी, ऊंची रहे भाव वंदना मंगलकारी, भाव तीर्थ राज पहचान हमारी, तीर्थ राज है शान हमारी, हमारी पहचान। विचार करो, पहचान अगर खो जाए तो फिर कैसे पहचान होगी? ये हमारा है, ये हमारा है, पहचान बताओ भाई। कि मालूम नहीं तो फिर कैसे कह रहे हमारा? लेकिन पहचानने की कला भी अलग है, अलग है पहचानने की कला। आपको मालूम होना चाहिए, एक छोटे से अनबोल के बालक के लिए दो महिलाएं लड़ रही थीं, मेरा बेटा मेरा बेटा। और सैनिक चरित्र में सैनिक के पास न्याय पहुंचा, अवय कुमार से कहा न्याय करो। बोले क्या न्याय करें? हाँ भाई बोलो, बेटा हमारा है, बेटा हमारा है। देखने लगे अवय कुमार, कृत्रिम रोष समझ गए, अंतरंग में नहीं है। क्या न्याय करें, दोनों अपना अपना कहती हैं, इधर आओ तलवार लाओ, लड़के के दो टुकड़े करो, बच्चे के आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांट दो, हो गया न्याय। आवाज बोली कहते आ रही है, मां उसकी
नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं है, उसी को दे दो, उसी की गोद में देखकर हम संतुष्ट हो जाएंगे, मेरे बच्चे के टुकड़े मत करो, मत मत करो, मेरा बेटा नहीं, उसी का है, उसी का है, उसी को दे। इतना कहते कहते तो बेहोश हो गई, उसी होश में लाए, बच्चा इसको दो, बेटा इसका है, अपना कौन, पहचान क्या, अपनत्व, अपनत्व नहीं है तो मां कैसे हो, विचार करो, अपना तीर्थ, अपना धर्मायतन, अपने देव, अपने गुरु, अपने भगवान, अपनी जिनवाणी, अपना कर्तव्य, अपना पद और अपना शुद्धात्मा, विचार तो करो। अभी वहीं बैठ के संतुष्ट है, कहां बैठे। एक बार सच्ची बात है, हमने कहा यहां आ जाओ, बोले आपके बराबर कैसे बैठेंगे, हमने कहा सिद्धों के बराबर कैसे बैठोगे, जिस सूटों पर सोचो सोचो कैसे बैठोगे। हमारे कुंद कुंद स्वामी बंदे तो सब सिद्धम जब कहते हैं, अमृतचंद स्वामी पहली टीका ही ये कर रहे हैं, अपनी आत्मा में, सबकी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना, ये मंगलाचरण है, हमारे जीवन का मंगलाचरण यहीं से होगा अपने को। और स्थापना माने ये महावीर भगवान है, ये विमलनाथ भगवान है, ये शांतनाथ भगवान, ऐसे ही तो बोलते हैं, ये नहीं ये शांतनाथ की मूर्ति है, ये शांतनाथ भगवान है, ऐसे ही सिद्धार्थ की स्थापना माने हम सिद्ध, सर्व जीव है सिद्ध सम, विचारना समझ, यही समझने लायक है, यही समझाने लायक है, यही देखने लायक है, यही दिखाने लायक, विचारना तीर्थ पर आने का प्रयोजन अपनी समझ में आ गया है, इसी प्रयोजन सहित गोष्ठी में बैठें, इसी प्रयोजन सहित पूजा करें, इसी प्रयोजन सहित वंदना करें। ओम नमः।